हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइस आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्लूटूथ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। सो गाइस आज मैं यही बताऊंगी। गाइस मेरे पास टेक्नो का फ़ोन है। गाइस पहले ये बता देती थी कि आपका ब्लूटूथ क्यों नहीं कनेक्ट होता है। गाइस इसलिए नहीं होता क्योंकि अगर आपका फ़ोन की जो बैटरी अगर 33 से ऊपर नहीं है तो आपको जो है ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होगा। 33 से तो ऊपर ही होने चाहिए। और गाइस और जिसमें भी आप ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं, चाहे हेडफोन हो, ईयरफोन, कोई भी, तो गाइस उसका जो है ब्लूटूथ ऑन किया जाता है और साथ ही साथ उसका वो भी चार्ज होना चाहिए। जैसे ईयरफोन में आप कनेक्ट करें तो उसका जो वो हेडफोन में, तो गाइस उसका जो चार्ज है वो होना चाहिए। और गाइस जैसे किसी में भी मतलब स्पीकर में हो, चाहे वो ऐसा हो, तो वो उसे चार्ज करना होता है तभी आपका जो है ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, वरना नहीं होता है। सो गाइस और तो तब भी नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसे कैसे सॉल्व कर सकते हो बताऊँगी। तो सबसे पहले आपको सेटिंग को जाना है, सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको सेटिंग के लास्ट में जाना है, फीचर्स में। तो आप सिस्टम पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, फिर आपको रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ के ऑप्शन पे क्लिक करना, उसके बाद आपको रीसेट और सेटिंग पे क्लिक करना, फिर से रीसेट सेटिंग पे क्लिक करना। ऐसा मैसेज आएगा, नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट, यानी आपका नेटवर्क सेटिंग पूरा रीसेट हो चुका है। जब आपका नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाएगा तो आपका जो ब्लूटूथ प्रॉब्लम है गाइस वो सॉल्व हो जाता है। इसके साथ साथ आपका वाईफाई प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा साथ ही साथ। सो गाइस तीनों ये जितने भी दिख रहे तीनों, वो तीनों एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है नेटवर्क को रीसेट करने से। और वैसे ही ब्लूटूथ तभी आपका कनेक्ट होता है जब आपका वाईफाई कनेक्ट होता है। वाईफाई सही चल रहा हो तभी आपका ब्लूटूथ चलेगा, वरना नहीं चलेगा। सो गाइस इस तरीके से जो है ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे ब्लूटूथ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए नमस्कार।